तुम अगली बार आओगे मैं तुम्हें यही मिलूंगा। ठीक है जेलर साहब, यूं समझ लीजिए कि हमारे और आपके दरमियान जो बाजी शुरू हुई थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। खेल जब फिर शुरू होगा तो मोरे हम उसी जगह से उठाएंगे जहां इस वक्त धरे हैं। हम सब इस हाथ की पांच उंगलियां हैं, उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब ये हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तूने मुझे पावर ऑफ अटर्नी नहीं अपनी तकदीर का वो कोरा पन्ना दे दिया है जिस पर मैं जब चाहूं तेरी बर्बादी का इतिहास लिख सकता हूं। तुम यहां से निकल नहीं सकते। डीएसपी, क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों है तुम्हारे लिए। सलाम मुस्तफा वालेकुम। मुस्तफा भाई बोल। मुस्तफा भाई अपोजिशन वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं कि राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो। वापस जाओ, दोबारा उसी पब्लिक को धमका उकसाओ, बोलो राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो नहीं तो काट डालेंगे। और मुस्तफा भाई अपना कनेक्ट तो डॉक्टर सुरेश अधिकारी है, जो बोला है वो करना। सुनते हैं आप लेकिन समझते नहीं है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक घटना है, एक हादसा है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप है। हर नैना भाभी ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें या नहीं या लगा या देरा। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चलाया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पा रहा हूँ। छोड़ दो देव। ना। कोशिश तो करो ना। छोड़ सकते हो, वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकते हो कि तुम मुझे भुला दोगे। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उस अपनी जिंदगी की परवाह है और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। तो क्यों गई? अच्छा अपन जो आ गया साहब, अपन जिसके दरवाजे पे पांव रखता है ना उसके अक्का डिपार्टमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। ए, कौन है ये? बोल। बंबई याद आता था तो अपन दो लोग को फोन लगाता था, एक जोजो। हेलो जोजो से बात करने का मेरे को। कौन? विवियन सा। नंबर किसने दिया? प्रधानमंत्री से नंबर लिया पार्लियामेंट अपने बाप। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। आई बात समझ में? नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की है। जसवंत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें किसने दिया था? मैं कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त पैसा देखता हूं, पैसे देने वाले को नहीं। मेरा उसूल है आदमी खत्म, काम खत्म। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। ऐसे भी ये रामलाल कहाँ रहते हैं? रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है तो कोई काम होगा आपको? और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूँ? कभी जाया करेंगे। हाँ पी जाऊंगा, आधी से ज्यादा शराब तो मैं ही पी जाऊंगा क्योंकि मैं शराबी हूँ। वो शराब पीता हूँ जो आप जैसे। इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपने बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप। मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी
क्यों मारा उस मुस्लिम बुड्ढे को? अपुन क्यों मारता है किसी को? हा? पैसे के वास्ते। एक खोखा मिला, एक खोखा कितना? हाँ, एक खोखा। अपुन के मिनिस्टर के साथ लड़ रहा था, उसने बोला लुटका डाला। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापस आने तेरे काम। तो ये सब ड्रामा क्यों? ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारा अपमान हो। कहीं बौरा गया तो पहले मार मार के बदन को दर्द देंगे, फिर मार देंगे। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी ना गवार गुजरी।